आज इंशाल्लाह 11 चैप्टर हम अपना कंप्लीट करते हैं। टारगेट तो ये था कि कल कंप्लीट कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल नहीं कर सके, सो वी डू इट टुडे। हमारे तीन सिस्टम रह गए हैं मेनली, चार। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, देन वी हैव पर्सनल सिस्टम, देन वी हैव इंटीग्रेटेड सिस्टम, एंड देन वी हैव ईआरपी। कल हमने एफआरएस को डिस्कस कर लिया था। आई टोल्ड यू कि एफआरएस के ऊपर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकता। डीएचएल एक लॉजिस्टिक कंपनी है, एग्जाम्पल है, दैट मेंटेन एंड मैनेज इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, रिसीट, डिस्बर्समेंट, डिप्रिसिएशन, पेरोल, ये सारा का सारा जो है वो एफआरएस में होता है। नवीद ने क्वेश्चन किया जी, प्रोजेक्ट टीम मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट टीम बेसिकली एडहॉक स्ट्रक्चर को कहते हैं। एडहॉक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसके अंदर आप टीम बिल्डिंग करते हैं और आप टीम मैनेजमेंट करते हैं और आप टीम बना के उसके ऊपर आप काम करवाते हैं, इसे हम एडहॉक्रेसी कहते हैं ना, दैट इज नोन एज एडहॉक्रेसी। तो एडहॉक स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज अ स्ट्रक्चर इन विच देर आर टीम्स, एंड टीम्स जो हैं वो आपके टेम्पररी प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करती हैं, और आपकी टेम्प्रेरी जो प्रोजेक्ट वर्क हैं उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करती हैं, ठीक है? इसे एडहॉक स्ट्रक्चर कहते हैं और ये प्रोजेक्ट बेस्ड टीम होती है, ठीक है? इन्फ्रेंस रूल्स का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सिस्टम में कोई सिचुएशन डालते हैं, व्हेनेवर यू गिव अ सिचुएशन टू अ सिस्टम, तो वो जो सिस्टम है वो उस सिचुएशन को लॉजिकल जजमेंट्स के थ्रू नॉलेज बेस के साथ कंपेयर करता है और देखता है कि जो उसे आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अगेंस्ट उसने क्या रिस्पॉन्स देना है आपको। इन्फर का मतलब होता है कंपेयर करना, कंक्लूड करना। तो इन्फ्रेंस रूल्स जो होते हैं ये बेसिकली कंक्लूड करके आपको बताते हैं कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है सिस्टम को, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन टू द सिस्टम, वो उसे किस तरह से कंपेयर करेगा नॉलेज बेस के साथ, और वो नॉलेज बेस जो है वो उसकी किस तरह से फिर आपको रिकमेंड करेगी कोई भी सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, वो आपको कैसे रिकमेंड करेगी, दैट इज नोन एज इन्फ्रेंस रूल्स, ठीक है? तीन कॉम्पोनेंट्स है ना, सबसे पहले यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस, यूजर जो है वो इंटरफेस के थ्रू टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, कोई चार्ट्स हैं, कोई फॉर्म्स हैं, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी सिस्टम के अंदर। सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को बैक एंड पे कंपेयर करेगा, किसके साथ कंपेयर करेगा, उसे वो कंपेयर करेगा नॉलेज बेस के साथ, और वहां से वो लॉजिकल जजमेंट्स को बिल्ड करेगा, एंड देन देयर विल कम द नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस कौन देता है? एक्सपर्ट देता है, ठीक है? ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, ये साइमल्टेनियसली डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि ये पैरेलल होते हैं। ऑर्डर तब तक प्रोसेस नहीं होता जब तक आपकी इन्वेंटरी जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल पे नहीं आती, या ऑर्डर तब तक प्रोसेस नहीं होता। देखिए, इन्वेंटरी दो किस्म की होती है, रॉ मटेरियल की और फिनिश गुड्स की, और ऑर्डर प्रोसेसिंग भी दो एंड्स पे होती है, फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे। एक ऑर्डर वो है जो आप प्रोसेस करते हैं कस्टमर का, और एक ऑर्डर वो है जो आप प्रोसेस करते हैं सप्लायर से। ऑर्डर प्रोसेसिंग दो लेवल्स पे होती है ना, कस्टमर एंड पे भी होती है और सप्लायर एंड पे भी होती है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, कस्टमर सर्विस डेटा कैप्चर करता है कस्टमर सर्विसेज एम्प्लॉइज और या कस्टमर से डायरेक्टली, इधर डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर और कस्टमर सर्विसेज एम्प्लॉइज से, और उस ऑर्डर को वो एक सेंट्रल डेटाबेस में डाल देता है, ठीक है? दैट ऑर्डर इज सेंट टू अ सेंट्रल डेटाबेस, और वहां पे फिर वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उस ऑर्डर की वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है? ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड ट्रैकिंग डेटा ऑन ऑर्डर्स एंड इन्वेंट्री एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पे ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है। जब आप किसी भी ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं तो वो जो ऑर्डर आप प्रोसेस करते हैं उसकी जो ट्रैकिंग होती है वो आपको कॉन्स्टेंटली, आप उस जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब टीसीएस से कुछ बुक करवाते हैं, कोई पार्सल बुक कराते हैं, आपने उसकी वो यू माइट हैव ट्रेस्ड द डिलीवरी एंड यू माइट हैव ट्रेस्ड द लोकेशन ऑफ योर ऑर्डर, और वो चेक किया हो शायद आपने कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ पहुंच गया है, आपका जो ऑर्डर है वो किस किस स्टेट से गुजर रहा है। हैव यू चेक्ड एवर, कभी चेक किया किसी ने आप में से?
हाँ एग्जैक्टली, ऑनलाइन ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है ना आपको, फिर आप टीसीएस की वेबसाइट पे जाके उस ऑनलाइन ट्रैकिंग नंबर से, ना दैट इज हाउ ऑर्डर प्रोसेसिंग वर्क्स, कि वो जो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है वो शिपिंग डिपार्टमेंट को चली जाती है और वहां से कस्टमर जो है वो रेगुलरली ट्रैक कर सकता है. ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम स्टार्ट्स व्हेन द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, जब आप ऑर्डर कस्टमर से रिसीव करते हैं, ना दैट दैट ऑर्डर माइट बी रिसीव्ड बाय अ सेल्स पर्सन थ्रू टेलीफोन और इट हैज अराइव्ड बाय ईमेल, और रेगुलर बायर एंड सेलर्स आर ऑफन लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिकली. रेगुलर बायर और सेलर्स जो होते हैं ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिकली भी लिंक्ड होते हैं आपस में. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मेल, मेल मेल से मुराद है जो फिजिकल मेल होती है. हाँ अब तो ईमेल से भी आ सकता है, यस, लेकिन ये अराइव बाय मेल जो आपने लिख के भेजा, ठीक है, लेटर के थ्रू, यस. ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम आजकल इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर की इन्वेंट्री है वो डायरेक्टली लिंक्ड है वेंडर के साथ. वेंडर का जो सिस्टम है वो आपकी इन्वेंट्री के साथ लिंक्ड है. जैसे ही आपकी किसी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री एक मिनिमम लेवल पे आती है, ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर को ऑर्डर प्लेस हो जाता है, और ऑटोमेटिकली वो सप्लायर जो है वो उस ऑर्डर को प्रोसेस करके आपकी इन्वेंट्री को रीफिल कर देता है. इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर. व्हेन इन्वेंट्री फॉल्स टू अ थ्रेशोल्ड लेवल, जब इन्वेंट्री किसी भी प्रोडक्ट की, व्हेन इन्वेंट्री फॉल्स टू अ थ्रेशोल्ड लेवल, ऑटोमेटिकली ऑर्डर इज प्लेस्ड टू अ वेंडर, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है वो वेंडर को प्लेस हो जाता है, ठीक है. इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर. दिस फेनोमेना इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर. सो ऑर्डर प्रोसेसिंग और इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम हैव टू बी लिंक टुगेदर. जब तक ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा. इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम का पर्पस क्या होता है? कंपनी की इन्वेंटरी को मैनेज करना. इन्वेंटरी मेनली तीन किस्म की होती है, ये शायद आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा या आगे जाके पढ़ेंगे. इन्वेंट्री की मेन मेनली तीन टाइप्स होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. इन्वेंट्री जो है वो तीन किस्म की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ठीक है. इस इन्वेंट्री को परचेज करना, इसको शिप करना, इसको रिसीव करना, इसको ट्रैक करना, ये सारा जो है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम काम करता है आपके लिए. एवरी एवरी एस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री इज मैनेज्ड बाय इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. इन्वेंट्री कंट्रोल इज वेरी क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन की बुनियाद जो है वो उसकी इन्वेंट्री है. रिमेंबर दैट इन्वेंट्री इज द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन. किसी भी इदारे के ऑपरेशंस की जो बुनियाद है वो उसकी इन्वेंटरी होती है. दिस इज द बॉटम लाइन, ये बॉटम लाइन होती है. क्योंकि कोई भी परचेज या कोई भी सेल या कोई भी सिस्टम जो है वो इन्वेंटरी के थ्रू प्रोसेस होना है, इन्वेंटरी के थ्रू ट्रैक होना है, ठीक है. इन्वेंटरी जो है, यू कैन नॉट लीव इन्वेंटरी टू ह्यूमन एरर और एंटीक्वेटेड. एंटीक्वेटेड का मतलब होता है ऑब्सोलीट, इसका मतलब होता है ऑब्सोलीट सिस्टम्स. एंटीक्वेटेड कहते हैं खराब या ऑब्सोलीट सिस्टम्स को, ऑब्सोलीट सिस्टम्स को एंटीक्वेटेड सिस्टम्स कहते हैं, ठीक. ये क्वेश्चन पेपर में दो दफा आ चुका है. इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दिस क्वेश्चन हैज अपीयर ट्वाइस इन द पेपर. कब कब आ चुका है? सेम क्वेश्चन आया था और ये सेम क्वेश्चन पेपर में दो दफा अपीयर हो चुका है. ये आया था जी एक दफा मार्च 18 में, और एक दफा ये आया था सितंबर 16 में, सितंबर 16 में और मार्च 18 में. ये दो दफा सवाल आ चुका है और सेम क्वेश्चन दो दफा आ चुका है, 8-8 नंबर का. करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का? इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एक्यूरेटली रिपोर्ट करता है करंट इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में. यानी आप किसी भी वक्त जो रियल टाइम इन्वेंट्री लेवल है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है. रियल टाइम इन्वेंट्री लेवल को आप ट्रैक कर सकते हैं. इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के साथ आप एक रूल एसोसिएट कर देते हैं कि जैसे ही इन्वेंट्री एक मिनिमम लेवल पे आएगी ऑटोमेटिकली रीऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा. यही जो अभी हम लोगों को डिस्कस किया है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर. So that's why these two systems have to be connected together. That's why these two systems have to be connected together. कि जैसे ही inventory एक threshold level पे आएगी, जैसे ही inventory आपकी एक bare minimum level पे आएगी,
ऑटोमेटिकली रीऑर्डरिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। इन्वेंट्री की एज ट्रैक की जा सकती है, इन्वेंट्री की जो एज है वो ट्रैक हो सकती है। ठीक है, इन्वेंट्री की एज को ट्रैक करने का मतलब है कि शेल्फ लाइफ आप इन्वेंट्री की देख सकते हैं, स्पेशली पेरिशेबल इन्वेंट्री जो होती है, जैसे बेकरीज हैं, जैसे ये रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, ठीक है, सारी की सारी जो है ये पेरिशेबल आइटम्स में डील करती है ना, दे डील इन पेरिशेबल एंटिटीज एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। तो आप इन्वेंट्री की एज को ट्रैक कर सकते हैं, यू कैन वेरी कंफर्टेबली ट्रैक द एज ऑफ द इन्वेंट्री, क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट जो आपके ऑब्सोलीट हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो आपके पेरिशेबल हैं, वो प्रोडक्ट जो आपके खराब हो रहे हैं, वो आपके आप उन्हें फिर उनकी या कुछ ना कुछ करेंगे ना, या आप उनके आप फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, या आप उसके लिए कोई और मार्केटिंग टैक्टिक यूज करेंगे। तो आप टैक्टिक्स यूज करते हैं एजिंग इन्वेंट्री को कम करने के लिए। अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम शॉर्टेजेस को भी हाईलाइट करता है। जो प्रोडक्ट स्पीडीली कंज्यूम हो रहा है वो इंस्टेंटली उसकी शॉर्टेजेस को हाईलाइट करके बताता है कि ये इसे हमने कैसे कंट्रोल करना है। द सिस्टम ऑल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स। आपकी इन्वेंट्री में टोटल कितनी आइटम्स स्टोर हुई हुई है, उनकी टोटल कॉस्ट निकालने में आपकी हेल्प आउट करता है। सप्लायर की डिटेल्स को मेंटेन करता है। नहीं, हाँ, दैट्स अ सेपरेट सिस्टम, वो दैट इज सिंपल द मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई। ठीक है, वो मार्केट फोर्सेस, हाँ ऑब्वियसली इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है, डिमांड कम हुई है तो इन्वेंट्री बिल्ड हुई है ना, बट दैट इज मोर ऑफ द मार्केट फोर्सेस फिनोमेना। ठीक है, कि जब डिमांड कम हो जाती है, इन्वेंट्री बढ़ जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अच्छा, ये सिस्टम जो है ये सप्लायर की डिटेल्स भी मैनेज करता है, सप्लायर की डिटेल्स को भी कंट्रोल करता है। सप्लायर की डिटेल से क्या मुराद है, कौन सा सप्लायर है, किस सप्लायर से हम कौन सी आइटम परचेज कर रहे हैं। तो दिस सिस्टम ऑल्सो मेंटेन्स डिटेल ऑफ द सप्लायर्स। इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिलीवरी डेट्स को भी मेंटेन करता है, सो दैट वेयर हाउस मैनेजर्स कैन मैनेज रिसीट एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स। ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिलीवरी डेट्स इसी डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहा होता है ना। और अगेन, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का भी अपना एक टीपीएस होता है, उसका भी अपना एक टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका भी अपना एक होता है। और इसका जो टीपीएस है वो आपको बताता है कि इन्वेंट्री कब आई कब गई। ठीक, और सबसे इंटरेस्टिंगली लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री आप इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप जब किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, व्हेन यू गो टू अ मेडिकल स्टोर, आप जाकर उससे कोई मेडिसिन डिमांड करते हैं, तो वो फौरन कंप्यूटर पे उस मेडिसिन का नाम टाइप करता है, और फिर वो इंस्टेंटली उसी शेल्फ में जाता है जहाँ पे वो मेडिसिन पड़ी होती है। हाउ वुड ही नो कि वो मेडिसिन जो है वो किस शेल्फ में स्टॉक हुई हुई है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो गिव द लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, एक मैप आ रहा होता है आपके पास अपने स्टोर का, और आप बड़ी कंफर्टेबली इन्वेंट्री की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आप इन्वेंट्री को इजीली और एफिशिएंटली ढूंढ सकें, उसे आप आसानी से ट्रेस कर सकें। ये वाला क्वेश्चन था, मार्च 18 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन था ये। दिस वॉज द क्वेश्चन, और हाँ, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना, आदमी आप खुद सोचे ना, आपने भी माशाल्लाह ये चीज प्रैक्टिस की होगी ना, जब आप किसी मेडिकल स्टोर जाते हो, इतना बड़ा मेडिकल स्टोर है, इट्स अ ह्यूज स्टोर। ठीक है, कैरिंग यू नो 100,000s ऑफ मेडिसिन, तो हाउ वुड द इंडिविजुअल नो कि कौन सी मेडिसिन किस खाने में, किस कैबिनेट में पड़ी हुई है। ठीक है, ये तभी उसे पता लगेगा ना जब आप जाके डिमांड करेंगे मेडिसिन। ठीक, इन्वेंट्री कंट्रोल से ये क्वेश्चन था मार्च 18 की अटेम्प्ट का। सेव बिग ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन किया है। ठीक है, और ये प्रोसेस में है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने के, दे आर इन द प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था 8 मार्क्स का, कि वो क्या फंक्शंस या वो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये अपने इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से फुलफिल करेंगे। नहीं, फ्राइडे को है टेस्ट बेटा, फ्राइडे को है। यस यस, इट्स एन एक्सपेंसिव सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको इसको एस्टैब्लिश करना आसान नहीं है, ये एक्सपेंसिव सिस्टम है। ठीक है, महंगा सिस्टम है। ठीक है जी, फर्स्ट हाफ का रोल्स तक, फर्स्ट हाफ। तो ये वही जो भी हमने ऊपर 8 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। अगला इन्फॉर्मेशन सिस्टम है पर्सोनल सिस्टम। पर्सोनल सिस्टम का एक और नाम है HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसे HRIS भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इट इज नोन एज पर्सोनल सिस्टम। HRIS का पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस पे रिपोर्ट करना, बिजनेस और स्ट्रेटजी
ऑन ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस पे कमेंट करना। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बेशुमार ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। हर एम्प्लॉय जो है उसका अलग डेटा है, हर एम्प्लॉय की अलग डिटेल्स हैं, हर एम्प्लॉय का एक अलग के अलग डायनामिक्स हैं, हर एक के अलग ट्रेनिंग्स हैं, नीड्स अलग हैं। तो पर्सनल सिस्टम के की एरियाज कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ पर्सनल सिस्टम, अगर आप इनकी बुलेट्स बना लें। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पे एंड क्लासिफिकेशन, अफर्मेटिव एक्शन, लेबरेशन, बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, वर्कर्स कॉम्पनसेशन, सिविल सर्विस, ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं। सारे के सारे बेशक जहन में ना भी हों, कम से कम 5-6 पॉइंट्स अगर आपको पता हो तो आप इजीली इन एरियाज पे कमेंट कर सकते हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, लाइक व्हाट आर द की एरियाज इंक्लूडेड इन पर्सनल सिस्टम। ठीक है, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो फिर आपको ये लिस्ट डाउन करने आने चाहिए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इनके बुलेट्स बना लें। लेकिन ये पहला बुलेट पॉइंट है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, प्रमोशन दूसरा बुलेट पॉइंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तीसरा बुलेट पॉइंट है। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिडंडेंसी, स्टाफिंग नीड्स, पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज आर द की एरियाज इन विच पर्सनल सिस्टम रिपोर्ट्स। टिपिकली पर्सनल सिस्टम का पर्पस होता है ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस करंट एंड करंट पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस। एक इदारे के जो ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस हैं इसके ऊपर पर्सनल सिस्टम ने रिपोर्टिंग करनी होती है, इसके ऊपर पर्सनल सिस्टम ने आपको सजेशंस देनी होती है। तो पर्सनल सिस्टम का जो पर्पस होता है दैट इज टू मेक नेसेसरी रिकमेंडेशंस ऑन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रेंथन इट्स सिस्टम। एक इदारा अपने सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है। इट इंक्लूड्स अ रिव्यू ऑफ पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एज इट करंटली एग्जिस्ट, एम्प्लॉई रिलेशंस चेकलिस्ट, ऑडिट ऑफ कोर एचआर फंक्शनल एरियाज, ये जो भी हमने यहाँ डिस्कस किए हैं इन्हें कहते हैं एचआर फंक्शनल एरियाज। ये सारे के सारे जो हैं दे आर कॉल्ड एज एचआर फंक्शनल एरियाज। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, स्टाफिंग नीड्स, पर्सनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ये सारे के सारे एचआर के फंक्शनल एरियाज हैं। तो इन फंक्शनल एरियाज पे आपका एचआरआईएस या पर्सनल सिस्टम रिपोर्टिंग करता है, इनकी एरियाज के ऊपर आपका पर्सनल सिस्टम जो है वो रिपोर्टिंग करता है। ठीक, ये क्वेश्चन पेपर में 2 दफा आ चुका है, ये जो एग्जाम्पल है ये सवाल 2 दफा आ चुका है पेपर में। पर्सनल सिस्टम किस किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट करता है या व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर्सनल सिस्टम। पर्सनल सिस्टम से आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं या पर्सनल सिस्टम जो है वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। पर्सनल सिस्टम आपका हेड काउंट करता हैड काउंट पे रिपोर्ट करता है, सैलरीज एंड वेजेस कैलकुलेट करता है, एम्प्लॉई एब्सेंस पे रिपोर्ट करता है, एज प्रोफाइलिंग करता है, टेन्योर प्रोफाइलिंग करता है। एज प्रोफाइलिंग और टेन्योर प्रोफाइलिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर कितने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग काम कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट विल मेक अ बार चार्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल, हेड काउंट नंबर ऑफ ना हेड काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अटेंडेंस तो आपके एब्सेंटिज्म रेट को मेजर करेगी ना। हेड काउंट मींस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पिछले साल कितने थे, इस साल कितने हैं, कितने नए एम्प्लॉइज आए, कितने नए एम्प्लॉइज छोड़ गए। ठीक है, ये आपका हेड काउंट होता है। सैलरीज एंड वेजेस पे रिपोर्ट करता है, इट रिपोर्ट्स ऑन सैलरीज एंड वेजेस। एज प्रोफाइलिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल देर आर लेसर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑन एज ब्रैकेट ऑफ लेट से 25 to 30 years, देर आर मोर एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन एज ब्रैकेट ऑफ 35 to 40 years, देर आर फ्यूअर एम्प्लॉइज इन एज ब्रैकेट ऑफ 40 to 45 years, मोर एम्प्लॉइज इन एज ब्रैकेट ऑफ 50 years। ठीक है, इसे कहते हैं एज प्रोफाइलिंग करना, दैट इज नोन एज एज प्रोफाइलिंग। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल है कि एक कंपनी ने जब एज प्रोफाइलिंग की तो पता लगा कि आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉइज जो है वो यस यस इन अ ग्राफिकल मैनर, यस इन अ ग्राफिकल मैनर, एक सिंपल एक्सेल की शीट के ऊपर आप जैसे ग्राफ नहीं बनाते, ग्राफ बना के आप एज प्रोफाइलिंग करते हैं और आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि टोटल कितनी डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं। इससे ये पता लगता है कि कंपनी में एज सेपरेट कितना है, कंपनी के अंदर टोटल एज का जो सेपरेट है वो कितना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर अब ज्यादा एम्प्लॉयज रिटायरमेंट की एज को पहुंच रहे हैं तो कैसे उनको रिप्लेस करना है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। आप ऐसे सक्सेशन प्लानिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग अहेड द एम्प्लॉइज हु आर गोइंग टू रिटायर इन नियर
ठीक है, आप अहेड प्लानिंग करते हैं उन एम्प्लॉयज की जो नियर फ्यूचर में रिटायर होने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली रिपोर्ट्स है। इसी तरह टेन्योर प्रोफाइलिंग करता है, टेन्योर प्रोफाइलिंग करता है, इट आल्सो रिपोर्ट्स ऑन टेन्योर। टेन्योर मींस कितना अरसा हो गया वह एम्प्लॉयज को काम करते हुए एक कंपनी में, कितना अरसा हो गया वह एक एम्प्लॉयज को। जैसे जो एम्प्लॉयज ज्यादा अरसे से काम कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर, जो एम्प्लॉयज ज्यादा अरसे से काम कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर, उनकी डेफिनेटली जो प्रोबेबिलिटी होती है कंपनी को छोड़ने की या कंपनी को फॉर एग्जांपल क्विट करने की, वो कम हो जाती है ना। अब एक एम्प्लॉय को अगर 1 साल हुआ है कंपनी में काम करते हुए, सो देर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि वो जल्दी क्विट कर जाएगा। एक एम्प्लॉय को 10 साल हो गए हैं कंपनी में काम करते हुए, देर इज लेसर प्रोबेबिलिटी कि वो क्विट कर जाएगा। तो टेन्योर प्रोफाइलिंग से आप एम्प्लॉय मोटिवेशन और एम्प्लॉय लॉयल्टी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, आप एम्प्लॉय मोटिवेशन और एम्प्लॉय लॉयल्टी जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। जब आप एम्प्लॉयज की टेन्योर प्रोफाइलिंग करते हैं तो आप एम्प्लॉयज की डेडिकेशन और लॉयल्टी को भी मेजर कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट वेज इन विच एम्प्लॉयज कैन यू नो मेजर और एम्प्लॉयज कैन आइडेंटिफाई देयर द मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द वे एम्प्लॉयज वर्क एंड द वे एम्प्लॉयज ऑपरेट। ठीक है, मैनेजर्स जो है वो जो होते हैं वो कैसे अपने, इसी तरह एम्प्लॉय का डिसिप्लिनरी रैकेट, किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया था, किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई कोई जो इस तरह का कोई इवेंट है वो हुआ था। फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय ने कोई एम्बेजलमेंट की थी, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की थी। ठीक है, ये सारा आप इसमें मेंटेन करते हैं। ये क्वेश्चन 2 दफा आ चुका है पेपर में, और दोनों दफा सेम क्वेश्चन आया था। ये एक दफा ये वाला क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, आया था सितंबर 18 में, या सॉरी मार्च 19 में, और उससे पहले ये आया था सितंबर 14 में। ये सवाल 2 दफा आ चुका है पेपर में। दिस क्वेश्चन हैज अपीयर ट्वाइस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, September 14 एंड मार्च 19। देन वी हैव नेक्स्ट टू सिस्टम्स दैट वर्क टुगेदर, इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये अभी रिसेंटली आया था पेपर में। दिस इज द मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 का पार्ट सी और डी था। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कंसोलिडेट करना, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कन्वर्ज करना, कंबाइन करना। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या करता है, ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप डिफरेंट फंक्शंस को इकट्ठा कर देते हैं सो दैट दे कैन वर्क इन अ यूनाइटेड मैनर। ये कार्ड दिया करें, रेफरेंसेस कार्ड दिया करें, ये आपके किसी काम के नहीं है ना, इनको आपने याद करना। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने अपने सब सिस्टम्स हैं, हर सब सिस्टम के अपने अपने फर्दर सब सिस्टम्स हैं, स्मॉलर सब सिस्टम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट टीपीएस, ठीक है, टीपीएस इज अ सब सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। टीपीएस जो है ये सब सिस्टम है इंटीग्रेटेड सिस्टम का। अच्छा, टीपीएस के हमने फर्दर मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल टीपीएस का एक मॉड्यूल है अकाउंट्स पेबल, अकाउंट पेबल इज अ सब सिस्टम ऑफ टीपीएस, ये फर्दर टीपीएस का सब सिस्टम। ठीक, यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम ऐसे काम करता है कि आप एक बड़ा सिस्टम डेवलप करते हैं, उस बड़े सिस्टम को फिर आप कनेक्ट करते हैं बहुत सारे छोटे सिस्टम्स के साथ, और उस छोटे सिस्टम के आगे फर्दर छोटे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, उस छोटे सिस्टम के आगे फर्दर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम होते हैं। ठीक है, और ये उस लेवल तक आप डिवाइड करते हैं जब तक कि एक फर्दर सब सिस्टम या एक एलिमेंट जो होता है इट कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, वो फर्दर डिवाइड ना हो सकता हो। इंटीग्रेटेड सिस्टम बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सब सिस्टम दैट वर्क इन एन इंटीग्रेटेड फैशन। इंटीग्रेटेड सिस्टम
is a combination of different subsystems. It's a combination of different subsystems that work in an integrated manner. इंटीग्रेटेड मैनर से क्या मुराद होती है, एक जगह पे आप एंट्री पास करेंगे उसका इम्पैक्ट हर जगह पे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपने एक एंट्री पास की है कैश अकाउंट की, और जैसे ही आपने वो कैश अकाउंट की एंट्री पास की है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके सेल से भी आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके लेट से इन्वेंट्री पे भी आ जाएगा, ठीक है. उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी परचेजेस पे भी आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट हर जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना. लाइक यू विल पास सिंगल एंट्री एंड दैट सिंगल एंट्री विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑल द अदर डिफरेंट फंक्शंस. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटीग्रेटेड सिस्टम. आप एक टीपीएस की एंट्री पास करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री भी अपडेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कस्टमर सप्लायर को ऑर्डर भी प्रोसेस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अकाउंट्स भी आपके अपडेट हो जाएंगे, बैलेंस शीट भी आपकी अपडेट हो जाएगी. ये पूरा का पूरा काम जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है, अगर आप इसकी एग्जांपल देख लें, ईआरपी जो है दैट इज फ्रंट एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम. ईआरपी जो है दैट इज फ्रंट एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम. ईआरपी इज फ्रंट एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम. ये एग्जाम्पल पढ़े, एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डर रिसीव किया, ठीक है, और प्रोडक्शन स्टार्ट कर. अब उस इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसका फ्रंट एंड ईआरपी है, उसने सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली एक सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर, जहां से कस्टमर एक्सेस कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्डर. अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को ताकि वो कैलकुलेट कर सके सेल्स पर्सन के कमीशन को. इसी तरह वो सिस्टम जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है ताकि वो बैलेंस शीट को अपडेट कर सके, अकाउंट रिसीवेबल को अपडेट कर सके. हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज हाउ इट वर्क्स. ईआरपी इज नोन एज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम. बेसिकली ईआरपी और इंटीग्रेटेड सिस्टम पैरेलल काम करते हैं. ईआरपी और इंटीग्रेटेड सिस्टम पैरेलल काम करते हैं. ये एग्जाम्पल इसलिए दी थी ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आए कि कैसे हमने मुख्तलिफ सिस्टम को कंबाइन किया हुआ, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, फाइनेंस, ठीक है. ये वाला सवाल भी 3 दफा आ चुका है पेपर में, ईआरपी के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स. ईआरपी के एडवांटेजेस क्या है, ऑफर्स अ मोर कंप्लीट व्यू, एनेबल्स बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस, अल्टीमेटली लीड टू मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस, लीड टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हेंस हाई प्रॉफिटेबिलिटी. वेरी सिंपल. ड्रॉबैक्स क्या है, ग्रेटर रिस्क, मॉड्यूल फेल हो जाएगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा. जैसे आपने अकाउंट रिसीवेबल मॉड्यूल पे काम किया, अगर वाला मॉड्यूल काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे मॉड्यूल भी फेल हो जाएंगे. मोर कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई मोर प्रोन टू एरर. ऑडिट इंटीग्रेटेड सिस्टम में इट इज डिफिकल्ट टू ऑडिट एरोनियस एंट्री. एरोनियस एंट्री को ऑडिट करना मुश्किल होता है. मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंड अलोन सिस्टम. स्टैंड अलोन से क्या मुराद है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सिस्टम, उससे एक्सपेंसिव होता है. हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सिस्टम होता है जो उससे बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर ग्रेटर लेवल ऑफ सपोर्ट बिकॉज इट इज अ मेजरली बीस्पोक और कस्टमाइज्ड सिस्टम. ये टेलर्ड सिस्टम होता है, कस्टमाइज्ड होता है, इसलिए इसको सपोर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. स्पेसिफिकली टू द ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल ऑफ सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है. ये वाला सवाल 2 दफा आ चुका है, बल्कि 3 दफा आ चुका है. ERP जो है बेसिकली दैट इज अ सॉफ्टवेयर, दैट इज अ सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस को यूज करे, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस को यूज करे और ऑटोमेटिकली बैक फंक्शंस को इंटीग्रेट करे आपस में. बैक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सारे बैक ऑफिस फंक्शंस हैं, ठीक है. तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ERP इज द फ्रंट एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम. ERP इज द फ्रंट एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स. ईआरपी जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का फ्रंट एंड कहलाता है. इट इज द फ्रंट एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम. इट इज द फ्रंट एंड ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम.
ईआरपी प्रोवाइड्स अ सिंगल इन्फॉर्मेशन से जो अभी तक अनटेस्टेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। ईआरपी का सवाल आ सकता है। ईआरपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लेकिन अगेन देखो वही बात है ना, इंशाल्लाह आप जाके पढ़ेंगे आगे सी फैप में, अकाउंटेंट का किरदार अब मैकेनिकल वर्क से ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क पे जाता जा रहा है। अब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सी फैप में, पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर कि रोल ऑफ अकाउंटेंट क्या हो गया है बिजनेस में। अब अकाउंटेंट का जो रोल है बिजनेस के अंदर, दैट हैज नाउ यू नो एनहांस फ्रॉम द मैकेनिकल वर्क टू मोर इंटेलेक्चुअल वर्क। अकाउंटेंट का काम सिर्फ अकाउंटिंग नहीं रह गया, बल्कि अब जो अकाउंटेंट है उसका काम जो है ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ चुका है। ठीक है, नाउ अकाउंटेंट्स आर यू नो आर बीइंग मोर इंटेलेक्चुअल, या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ईआरपी बेसिकली एक सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इट वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन वाइड, कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट की बिजनेस प्रोसेसेस। वो इंफॉर्मेशन जो प्रीवियसली फ्रेगमेंटेड होती थी, फ्रेगमेंट का पार्ट्स में होती थी इन डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, इट कैन नाउ सीमलेसली फ्लो थ्रू आउट द फर्म। अब ये इंफॉर्मेशन सीमलेसली, सीमलेसली बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी रुकावट के इंफॉर्मेशन जो है ये पूरे इदारे में फ्लो कर सकती है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन कैन नाउ सीमलेसली फ्लो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी शेयर्ड बाय डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अदर एरियाज। डिस्क्रीट बिजनेस प्रोसेसेस जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, दे आर नाउ इंटीग्रेटेड इन अ कंपनी वाइड बिजनेस प्रोसेस दैट फ्लो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड फंक्शंस। ये है कि आपने एक ऐसा सिस्टम जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, सिस्टम क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। इस सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी में स्टोर करता है, डेटा रिपोजिटरी डेटाबेस को सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर करता है, जहां से वो इंफॉर्मेशन फिर डिफरेंट बिजनेस के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल हो सकती है। ठीक, ऐसी एग्जांपल किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ईआरपी के बैकएंड पे जो डेटाबेस है वो ऑरेकल होता है। ईएपी का जो डेटाबेस है दैट इज ऑरेकल, मेजॉरिटी टाइम्स ऑरेकल होता है। तो ऑरेकल बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईआरपी सिस्टम्स डेवलप करती है। ठीक, ऑरेकल बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईआरपी सिस्टम्स को डेवलप करती है। ओके, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ईआरपी ने वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली अपने पास। अब यहाँ से वो इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट एक्सेस कर रहा है और जो और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे अपने अपने एंट्री डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ये देखें अकाउंटिंग, ये एरो शो कर रहा है कि इंफॉर्मेशन सीमलेसली शेयर हो रही है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये जो सर्कल मूव कर रहा है दरमियान में, बल्कि इसके यहाँ पे अगर आप एक डेटा रिपोजिटरी बना लें सेंटर में, यहाँ अगर आप इसके दरमियान में डेटाबेस बना लें, ठीक है, तो ये जो डेटाबेस है बेसिकली सारे को कंसोलिडेट कर रहा है। ये डेटाबेस जो है ये सारे बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट कर रहा है। बट ईआरपी अनटेस्टेड है अभी तक, दिस इज अनटेस्टेड सो फार। सो हियर वी ब्रिंग दिस चैप्टर टू द कंक्लूजन। अच्छा, इस चैप्टर की ना एंड पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग इसने स्टिकी नोट दिया है, ये देख लें बस। Oracle is no, it's more than a language. It is basically a database. It is basically a database. Oracle एक डेटाबेस है। Oracle जो है वो एक डेटाबेस है। इस चैप्टर को हम लोगों ने मेनली चार ब्रॉड एरियाज में डिस्कस किया है। ठीक, इस चैप्टर को हमने मेनली चार एरिया में डिस्कस किया। मौसम बेटा फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन संभाली ली है। फ्रेगमेंट कहते हैं पोर्शन को, पीस को। तो वो इन्फॉर्मेशन जो पहले फ्रेगमेंटेड होती थी, अकाउंट वाले अपनी इन्फॉर्मेशन संभाल के बैठे हैं, एचआर वाले अपनी इन्फॉर्मेशन संभाल के बैठे हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने क्या किया है, कंसोलिडेट कर दी है, इंटीग्रेट कर दी है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है,
वो हमने इंटीग्रेट कर दिया सिंगल प्लेटफॉर्म पे। और ये स्टिकी नोट्स हैं इस चैप्टर के एंड पे। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईटी को, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस नेटवर्क्स की बात की, लैन वैन मैन। फिर हमने बात की इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, आईटी बेस्ड सिस्टम्स की। इसको उसने फर्दर वैसे कैटेगराइज किया है कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर, स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन के अंदर और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के अंदर। पर ये वाली डिफरेंशिएशन जो है ये चैप्टर में मौजूद नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। ये 10 सिस्टम्स हैं, टीपीएस पढ़ा, एमआईएस पढ़ा, ये छोड़ दें आप। इस पर बेशक आप ना फोकस करें इन सेल्स के ऊपर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिंपल इनको देख लें, डीएसएस पढ़ा, ईआईएस पढ़ा, एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ा, एफआरएस पढ़ा, ठीक है। हमने सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिस्कस किया 10 के 10। ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 10 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो एमआईएस है, विच आई विल वाउच फॉर, टीपीएस है, ठीक है, और ईआरपी है, ठीक है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ओके। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसका पहला टेस्ट फ्राइडे को स्केड्यूल्ड है, दूसरा इसका नेक्स्ट वीक में कोई सी दिन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। किस पेज पे नवीद, विच पेज? और इसका जो, अच्छा ओके हियर। और इसका जो सेकंड टेस्ट है आपका वो होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में स्टार्ट में प्लान हो जाएगा, ठीक है। कल 6 चैप्टर इनिशिएट करेंगे, टुमारो विल स्टार्ट विद द 6 चैप्टर दैट इज एम्प्लॉई बिहेवियर, ठीक है। चलो लेट्स कॉल इट फॉर टुडे, लेट्स कंक्लूड इट फॉर द डे। इंशाल्लाह कल इसको हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।